जो लोग सुबह को चाय पीते हैं उनके लिए ये खुशबू क्या है, ये सिर्फ वही लोग जानते हैं। कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आप सुबह को चाय पीते हो या नहीं। अगर पीते हो तो यस लिखिए, अगर नहीं पीते तो नो लिखिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ भी स्वाति और आप सब के लिए हाजिर है मेरा नया ब्लॉग। घड़ी में अभी 8:05 हुए हैं। नींद से उठी हूँ बहुत पहले, थोड़ा बहुत काम भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैंने अपना बासी कपूर भी चेंज कर लिया है। बासी कपूर मतलब बंगाली में कल के जो कपड़े मैंने पहने थे उसे बासी कपूर बोलते हैं, तो वो भी मैंने चेंज कर लिया है। और आज अभी तक मैंने अपनी चाय पी नहीं है, तो आज मेरी चाय के साथ मैं आप लोगों से मुलाकात करती हूँ। अच्छा, मेरे चुन्नू मुन्नू कहाँ है वो मैं अभी दिखाती हूँ। ये दोनों भाई बहन कैसे सोए हुए, बहन को देखिए, बदमाश बहन, ये देखिए एक बदमाश बहन है, ये एक बहुत बदमाश बहन है। हाय करो सबको, हाय करो। छोटी बच्ची है ना, बात नहीं करती है, बाद में करेगी, करोगी ना फानुष? हाय कर दो सबको फानुष। गहरी नींद में है, थोड़ा थोड़ा आप खुल रहा है लेकिन नहीं खुल रहा है, ठीक है बाद में हाय कर देगा, है ना फानुष? फानुष हाय बोलो सबको, हाय बोलिए। मेरा छोटा सा पानी। ये देखो उठते ही बदमाशी शुरू, जो लोग सुबह को चाय पीते हैं उनके लिए ये खुशबू क्या है, ये सिर्फ वही लोग जानते हैं। कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आप सुबह को चाय पीते हो या नहीं। अगर पीते हो तो यस लिखिए, अगर नहीं पीते तो नो लिखिए। अभी मुझे खाना बनाने की तैयारी करनी पड़ेगी, आज बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, तो मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, आधा हुआ है, अभी थोड़ा सा रेस्ट करूंगी और उसके बाद फिर काम में लग जाऊंगी और एकदम से सब काम खत्म करके आके फिर बैठूंगी और आप लोगों से बातें करूंगी। ये बहन जो है घर घर जाके ये सब बेचती है, लड़कियों के हाथ के कान की वाली चूड़ी, तो मैंने ये खरीदा। ये हाथ में पहनने वाली पोला, ये सुहागन पहनती है, ये एक खरीदा। तो मैं नहा चुकी हूँ, अभी पूजा करके हम लोग लंच करेंगे।
तो घर में अगर ज़्यादा नींबू रहे तो ये चीज़ मैं ज़रूर बनाती हूँ। कुछ भी नहीं है, ये मसूर का दाल है जो नमक दे के उबाल लिया है, और खाते टाइम उसमें कच्चा प्याज छोटे छोटे पीसेस में काट के ऐसे ऊपर से फैला देती हूँ, और फिर जो मिर्ची है छोटे छोटे पीसेस में काट के मिर्ची डाल देती हूँ, और फिर नींबू का जो रस है वो उसके ऊपर निचोड़ देती हूँ। और मेरा बेटा ये बहुत पसंद करता है और बहुत ज़्यादा खाता है, शायद वो आज और कुछ भी ना खाए, ये इतना पसंद करता है। और ये चावल के साथ, रोटी के साथ, सबके साथ ही अच्छा लगता है। जो खट्टा खाना पसंद करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, मैं भी खाती हूँ, मुझे भी पसंद है। और ये है मसाला झींगे, झींगे मतलब तरोई। शाम को स्कूटी में पेट्रोल भरवाने के लिए निकले, अचानक से कहाँ काले बादल आ गए और देखिए कैसे पूरा आसमान काला। फिर जो बारिश शुरू हुई और हम लोगों को यहाँ रुकना पड़ा, कुछ टाइम रुके फिर धीरे धीरे घर पहुंचे। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में। ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।